लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी को स्टडी किया और आखिर में ये जाना कि ये थेरी साइंटिस्ट ने क्यों रिजेक्ट की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ स्टडीज़ के बारे में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद हुई और जिससे हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में अधिक जानकारी मिली इन स्टडीज़ को पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ कहते हैं हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स के रॉक्स फॉसिल्स एनिमल स्पेसिस या फिर टिलाइट या मरीन डिपॉजिट्स जैसे डिपॉजिट्स के कलेक्शंस थे जो कि कॉन्टिनेंटल लैंड मार्सेस से कलेक्ट किए गए थे और हमने ये भी देखा था कि ये कॉन्टिनेंटल ट्रिड थेरी की एक वीकनेस थी क्योंकि वेगनर ने ओशन के फॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात नहीं की थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ हुई जिन्होंने जियोलॉजिकल लिटरेचर में नया योगदान दिया विशेष रूप से ओशन फ्लोर मैपिंग से हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नई जानकारियाँ मिली ओशन फ्लोर के फर्दर स्टडीज से जो पहली थेरी आई वो थी कन्वेक्शनल करंट थेरी 1930 में आर्थर होम्स ने अर्थ के मेंटल में कन्वेक्शनल करंट की पॉसिबिलिटी को बताया मैंटल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण वहाँ थर्मल डिफरेंसेस निर्माण होते हैं जो कि मैग्मा के कन्वेक्शनल करंट्स बनाते हैं होम्स का ये कहना था कि मेंटल में ऐसे कन्वेक्शनल करंट्स की पूरी सिस्टम है इस थेरी से होम्स ने ड्रिफ्टिंग के फोर्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया मतलब उनका कहना था कि मैग्मा के ऊपर फ्लोट होने वाले क्रस्ट की जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो मैग्मा के अंदर चलने वाले कन्वेक्शन करंट के फोर्स से हो सकती है क्योंकि ओशन क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थिन है मैग्मा ओशन बेड से इजीली बाहर आ सकता है और मैग्मा जब ओशन बेड से निकलता है तो वो उसे स्प्रेड करता है ये वैगनर के दिए ड्रिफ्टिंग फोर्सेज के एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल ही अलग एक्सप्लेनेशन था मिड ओशनिक रीजेस का प्रेजेंस होम्स की इस थेरी को सपोर्ट करता है क्योंकि मिड ओशनिक रीजेस जैसे लैंडफॉर्म का बनना होम्स के एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट हो सकता है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में दूसरी स्टडी थी मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर जब ओशन फ्लोर मैप किया जा रहा था तो ऐसा देखा गया कि ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं है बल्कि कॉन्टिनेंटल फ्लोर की तरफ बहुत ही ज़्यादा अनइवन है वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसे कई सारे सी फ्लोर मैपिंग एक्सपीडिशन्स हुए जिनसे पता चला कि ओशन बेड में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और डीप ट्रेंचेस हैं डीप ट्रेंचेस उन्हें ज़्यादातर वहाँ मिले जहाँ ओशन बेड समाप्त होकर कॉन्टिनेंट शुरू होते थे यह एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी क्योंकि ओशन बेड के वेरिड और अन ईवन सर्फेस का तब तक कोई भी अंदाज़ा नहीं था और फिर उन्हें मिड ओशनिक रीजेस का भी पता चला जो कि ऐसे लॉन्ग रेंज माउंटेंस थे जो मैग्मा के निकलने से बने हैं जब साइंटिस्ट ने मिड ओशनिक रीजस के रॉक्स और एडजॉइनिंग कॉन्टिनेंटल रॉक्स को कंपेयर किया तो ये पता लगा कि मिड ओशनिक रीजस के रॉक्स कॉन्टिनेंटल रॉक्स के कंपेरिजन में एज में बहुत यंग है साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मिड ओशनिक रीजेस से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के लोकेशन के रॉक्स उनके कॉम्पोजिशन और एज में रिमार्केबली सिमिलर हैं इसके आधार पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जैसे हम मिड ओशन रीज से कॉन्टिनेंट की ओर जाते हैं वैसे रॉक्स की एज बढ़ती चली जाती है कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक बेस तो था पर पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज से निकली जानकारी ने साइंटिस्ट के एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिली कॉन्टिनेंट्स और ओशन के फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अधिक साइंटिफिक रूप से एक्सप्लेन करने वाले सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक जैसी थेरीज को आगे बढ़ने में पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ ने बड़ा योगदान दिया इन थेरीज़ को हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ को अच्छी तरह समझा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू